जिला सोलन की दंगील पंचायत के ढोल के जुबड़ में नवे जनमंच का आयोजन किया गया, जिसमें ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा उपस्थित रहे। जनमंच में बिजली, पानी, सड़क सहित 200 के करीब शिकायतें शामिल हुई। अधिकतर शिकायतों को मौके पर ही निपटाया गया व शेष बची शिकायतों के जल्द निपटारे के आदेश ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने अधिकारियों को दिए। नवे जनमंच में आई शिकायतों में मंत्री ने संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को तुरंत शिकायतों के निपटारे के निर्देश दिए व खुशी जाहिर की कि जनमंच जनता व सरकार के बीच सामंजस्य स्थापित कर रहा है। इसके माध्यम से विभाग की कार्यगुजारियां भी सामने आ रही है व जनता को न्याय मिल पा रहा है। जनमंच में अधिकतर शिकायतों के निपटारे में शेष बची शिकायतों में विभागाध्यक्षों ने बजट का रोना रोया व बजट न होने के कारण शिकायतों पर काम न होने की बात कही। आशा ठाकुर, सरस्वती महिला मंडल गल्हाई की सचिव। ये हमारी पानी की समस्या थी पिछले 7 सालों से, इसमें पाइप बिछे हुए थे, हमारे पानी भी का भी सोर्स है, लेकिन हमारे को ये पीने का पानी नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने जनमंच में अपनी ये शिकायत रखी और इस जनमंच से हमारी शिकायत का निपटारा हुआ। सिंह ठाकुर, मैं कंधार से बिलोंग करता हूं और आज ये जो जनमंच कार्यक्रम जो चल रहा है ये बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है जो प्रदेश भाजपा सरकार द्वारा जो ये चलाया जा रहा है। आज उसी के अंतर्गत मैंने भी कुछ जनहित के मुद्दे, बहुत ही ज्वलंत समस्या है जो है वो आज इस जनमंच के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय के सामने रखी है, जिसका उन्होंने एक एक समस्या का समाधान करने का मुझे आश्वासन दिया है। वहीं जनमंच आईपीएस विभाग के अधिकारियों को झटझन मंच बन गया जब एक शिकायतकर्ता ने पानी के टैंकों में बरती गई अनियमितताओं पर मंत्री के समक्ष बात रखी। वह मंत्री ने भी आईपीएस विभाग की एक न सुनते हुए उपायुक्त सोलन को 1 माह में रिपोर्ट तलब करने को कहा ताकि विभागीय अधिकारियों की सांठगांठ को रोका जा सके। वहीं अपनी शिकायतें लेकर आए लोगों ने भी प्रदेश सरकार के जनमंच की सराहना की व कहा कि पिछले कई वर्षों से उनकी समस्याओं पर विभागों द्वारा गौर नहीं किया जा रहा था, लेकिन जनमंच में झट से उनकी शिकायतों पर गौर कर उनका कार्य पूर्ण हो गया। हमारे संवाददाता से बात करते हुए ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने बताया कि जनता व सरकार के बीच सीधा सामंजस्य बनाने में जनमंच कारगर साबित हुआ है। उन्होंने कहा कि इस जनमंच से आई शिकायतों का निपटारा किया गया है व शेष बची शिकायतों पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। विश्वास जनता का सरकार के प्रति बन रहा है, उसी कड़ी के अंदर आज मुझे इस क्षेत्र में आने का मौका मिला और इसी वजह से मुझे इस क्षेत्र को देखने का मौका भी मिला। और जो आपने यहाँ पर इशू उठाया है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कई सरकार के, चाहे पूर्व में सरकार हो या वर्तमान सरकार हो, एजुकेशन में कहीं कई बार कमियां रह जाती हैं और खुले मंच पे जनता अपनी बात रखती है तो अच्छा लगता है कि हमने इसके ऊपर, यदि मैंने आज ही जिलाधीश महोदय को आदेश किया है कि 1 महीने के अंदर एसटीओ साहब की अध्यक्षता के अंदर कमेटी गठित करके लोगों से इसके बारे में जाकर वहां पर उसको देखें और सरकार को इसके बारे में सोचना दें, तो इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार कितनी संवेदनशील है और इस तरह की कमियों को पूरे, जो जहां भी कमी आती है उसको भी हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि विभाग को जो बजट सेशन आता है तो विभाग को पिछली देखते हो कि साल के अंदर क्या हमारा कार्यक्रम रहा, उसके साथ बजट का जो है हम प्रोविजन करते हैं। निश्चित तौर पर जनमंच कार्यक्रम प्रदेश सरकार का एक सराहनीय कार्यक्रम व इसके माध्यम से घर द्वार पे लोगों की समस्याओं का निपटारा हो रहा है। आदर्श हिमाचल के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।